हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की मेकओवर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के इल्यूमिनेटर हाइलाइटर के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, टोटली फ्री है, आप लोग कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप निक्की मेकअप वर्ल्ड के एक फैमिली मेंबर बन जाएंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दे दीजिएगा इस वीडियो को एक थम्स अप। ज्यादा देर ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये है स्विस ब्यूटी का पोर इल्यूमिनेटर मेकअप बेस है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की आपको पैकेजिंग मिल जाती है। ये रोज गोल्ड कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पर्ल, और ये जो शेड है वो मेंशन किया हुआ है। क्या हुआ है मेरा शेड जो कि है 01 गोल्डन पिंक। इसके और एक शेड आती है वो आई थिंक गोल्ड में है, तो वो मेरे पास नहीं है, बट ये मेरे पास है, मैंने इसे यूज किया है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और ये मोस्ट फेमस आप प्रोडक्ट बोल सकते हो स्विस ब्यूटी में, क्योंकि ये ऑल ओवर यूट्यूब पे छाया हुआ है, सबने इसका रिव्यू किया हुआ है। बट पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और साथ ही चाहती थी कि जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा है या इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और वो इसका रिव्यू देख सके, चेक कर सके। तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, स्विस ब्यूटी का बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेटर बेस है और आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका जो प्रोडक्ट है, नेट प्रोडक्ट है, आपको 35 ग्राम मिल जाता है। बैक साइड में इसका एक्सपायरी डेट मेंशन किया हुआ है, इसका शेल्फ लाइफ मेंशन किया हुआ है जो कि आपका बहुत लॉन्ग टाइम का 2017 से 2022। आप सोच ही सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा खासा इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाता है, कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट परचेस किया और ये काफी लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देगा। इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की बॉटल है, आपको गोल्डन कलर का, रोज गोल्ड कलर का सॉरी, आपको एक कैप मिल जाता है और ये इस तरह की स्लिक सी लाइक नॉर्मल सी इसकी बॉटल है, और ये प्लास्टिक का आप बोल सकते हो ये बॉटल है। और इसके यहाँ पे सब चीजें मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं पर्ल एंड यहाँ पे स्विस ब्यूटी इल्यूमिनेटर मेकअप बेस लिखा हुआ है। और मैं अभी आप लोगों को एक बार इसका प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइट वेट इसका फॉर्मूला है और काफी ज्यादा इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ है। और आप देख सकते हैं, मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, और इसको आज मैंने अपने इस मेकअप ट्यूटोरियल में भी ऐड किया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका शाइन कितना ज्यादा अच्छा है। इसमें आपको एक पिंक सा टेंट मिल जाता है, साथ ही आपको गोल्डन टेंट एंड पिंक टेंट दोनों ही मिल जाता है इसमें, जो कि बहुत अच्छा है। ये कैमरा आई थिंक पिक नहीं कर रहा, बट मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, तो आप इसे अगर मॉर्निंग में चाहें तो आप बिल्कुल इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप डे टाइम में चाहते हैं या मॉर्निंग टाइम में चाहते हैं कि मेरे को फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना, तो आप लोग इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली अप्लाई करने से पहले आप अपना मॉइस्चराइजर और प्राइमर फर्स्ट अप्लाई कर लीजिए, देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं साथ ही एक छोटा सा डेमो भी दे दूंगी।
इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स ये बहुत ही लाइट वेटेड है, तो आप इसे डे टाइम या नाइट टाइम पे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है अप्लाई करने में और साथ ही आपको एक बहुत ही अच्छा फिनिश देता है। इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं है, तो आपको लगाने में भी स्मूथ लगेगा और साथ ही आपको एक अच्छा सा फ्लॉलेस फिनिश भी देता है। और मैंने इसे परचेज किया था रे एंड शाहो से, तो ये आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा रिव्यू, और कैसा लगा आपको ये रिव्यू और ये इल्यूमिनेटर, अगर हाइलाइटर आपने ऑलरेडी पहले भी अगर ट्राई किया हुआ है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये कैसा लगा, एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दे दीजिएगा इस वीडियो को एक थम्स अप, और जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चेक कर लीजिए, टोटली फ्री है। और सब्सक्राइब की साइड में जो बेल आइकन आता है उससे भी हिट करना बिल्कुल ना भूले, इससे मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। फ्रेंड्स तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।